सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अबे कोई है क्या? अबे ये क्या जगह है ओए? अबे मेरे पैर चिपक रहे हैं। तुझे भूत बनने का बहुत शौक है ना? ये ले, अब भूत बन के रहे, जिंदगी भर भूत बन के घूमना। जा। अंकल जी। बेटा बड़े लोगों वाली एक हसीन मैगजीन दे दीजिए। एक मिनट। थैंक यू अंकल। प्यारे लाल अंकल, अंकल वो बड़े बच्चों की हसीन किताब की एक कॉपी दीजिए ना, 2 घंटे में लौटा देंगे पक्का। ये पढ़ा है? तुम लोगों का पुराना हिसाब भी बाकी है, पहले वो चुकता करो फिर आना। चलो। अरे प्लीज प्यारे अंकल, अपनी अगली जेब खर्ची में आपका सारा हिसाब हम साफ कर देंगे। हाँ पता है कैसे साफ करोगे। देखो ये धंधे का टाइम है, बेकार दिमाग खराब मत करो। चलो चलो चलो। अच्छा रिचार्ज तो कर दो कम से कम। नंबर बताओ। क्या अंकल आप भी, आपसे ही तो सिम कार्ड लिया था, भूल गए? अच्छा अपनी डायरी में देखिए, मनीष गुप्ता, नाम और नंबर दोनों मिल जाएगा आपको। ये हाँ कितने का करना है? 99 का कर दो। मनीष चलो ना, हो गया। जाओ। चल। ये प्यारे लाल अंकल है ना, बिल्कुल भी प्यारे नहीं है, खड़ूस है। इससे तो हसीन मैगजीन निकलवा के रहूंगा मैं। लेकिन तू करेगा क्या? देखता जा। जाने देना सचिन, क्यों यार? चल बे फट्टू, इसका हमेशा का यही रहता है। अब शरारत वाली मैगजीन के लिए थोड़ी शरारत तो बनती है। अरे अंकल वो आगे पुलिस खड़ी है, बैग वगैरह सब चेक कर रहे वो लोग। यहाँ से मत जाइए, आप एक काम कीजिए, ये पीछे वाले रास्ते से चले जाइए। ये वाला? हाँ हाँ ये पीछे वाले रास्ते से चले जाइए आप। उधर पुलिस है? हाँ हाँ निकल जाइए वहां से। हाँ आ रहे। अपने कपड़े उतारो। ये ले बस, बस छोड़ दो। सारे उतारो। उतर दो, उतर दो भाई, उतर उतर दो। ये ले अब और कुछ नहीं होता मुझसे भाई, छोड़ दो भाई मुझे। बैग में क्या है? बंद करना, छोड़ो ना, मत करो, हो गया अभी बस। अरे जाने देना यार, बुड्ढे का क्या हाल हो रहा है, देख रहे हैं? ये लो सब सब है, सब है। बस 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 अब छोड़ दो बस भाई, बस माफ कर दो मुझे। अपना मुंह काला करो। नहीं नहीं भाई ऐसा मत करो मेरे साथ, माफ मत।
बस बस अब माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। बंद कर। नंबर सचिन तूने तो बुड्ढे का मजा ही चका दिया यार। है ना? जो चाहिए था वो मिल गया ना। अरे एक नंबर क्या वीडियो बनाया। दिखा दिखा ये देखिए देखिए देखिए। अरे तेरे को पता है वीडियो के साथ अपने लिए किताबें भी छोड़ के गए थे। हाय हाय हसी के लिए अपने को तरसाया था नहीं उसने बहुत। का हो गया तो चले। माँ आई शालिनी। अच्छा एक मिनट इधर बैठो आप, रखो इसे। मुझे ना एक बात करनी है आपसे। मैं क्या सोच रही थी कि मैं आज पापा को बता दूं पंकज के बारे में। पहले पापा का मूड देख लेना, अगर सही हुआ फिर बता देना। अच्छा मम्मा आप एक बात बताओ, आपने अपनी मम्मी पापा को कैसे बताया था कि आपको अपने से 15 साल बड़े इंसान से प्यार हो गया है? जिस दिन मेरे पापा सबसे ज्यादा खुश थे उस दिन मैंने बताया था उन्हें, और तुम भी ऐसा ही करना, समझी? थैंक यू सो मच मम्मा। कौन है? कौन छुप रहा है? कहाँ भाग रहा है? रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? आप लोग को शर्म नहीं आती हमारे पति को मारते हुए? ये आपके पति हैं? हाँ ये मेरे पापा हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए बुजुर्ग इंसान से ऐसे बिहेव करते हुए। प्यारे लाल जी ये शालिनी पापा को लेके चलो। प्यारे लाल जी मुझे लगा चोर है, माफ कर दीजिएगा। सॉरी गलती हो गई। यार तुम लोग ना एक दिन मरवाओगे और अपने साथ साथ मेरे को भी लेके फंसाओगे। सचिन यार ये क्या कर रहा है तू? एक मजाक हो गया ना अभी, छोड़ना यार ये सब। अबे चुप बैठना यार तू। इस बुड्ढे के तो और मजे लूंगा मैं, साला हमें मना कर रहा था हसीन किताब देने से। क्या मस्त है यार। अरे ये सारी मैगजीन्स हमारे देश में गैर कानूनी है, तुम लोग फिर भी समझते नहीं हो। गैर कानूनी है तो वो बुड्ढा भी तो गैर कानूनी धंधा ही कर रहा है ना। देखा नहीं कैसे पुलिस का नाम सुनते ही पीछे वाली गली से घर भाग रहा था। यार इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, तो फिर मैगजीन्स के लिए अंकल को क्यों परेशान कर रहे हो खामखा? अबे पागल जो मजा इन मैगजीन्स में आता है वो कंप्यूटर में कब आता है? और वैसे एक मिनट, तुझे अंकल पे बड़ा प्यार आ रहा है आज, क्या बात है? हाँ तो सही तो कह रहा है, बड़ा फिसड्डी है यार। और हमें पता है तेरी हवा क्यों टाइट होती है जब हम प्यारे लाल अंकल का मजाक उड़ाते हैं। पापा मम्मी ने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है, ये वाला डालूं? गर्मा गर्म रोटियां भी आ गई, खाइए ना। क्या सोच रहे हैं? पापा आपने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया था? आपको तो मैं बुलाऊं? नहीं नहीं बेटा, हम पुलिस को नहीं बुला सकते, बात और बिगड़ जाएगी। वो लोग भूत के भेष में आए थे इसलिए डर गया था मैं। जब सब कुछ हो गया तो पता चला उन्होंने मेरे साथ शरारत की है। उनका मकसद सिर्फ मुझे परेशान करना था। एक बार हाथ लग गए ना तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। पापा कल सुबह देखना उस प्यारे लाल बुड्ढे का क्या हाल होता है। अब मजा आएगा। सुनिए ना आप इतना परेशान मत हुआ कीजिए,
आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। चलिए आप अभी सो जाइए और थोड़ा आराम भी कर लीजिए। ये मैगजीन चली गई तो क्या हुआ, और मैगजीन आ जाएगी और हम उन लड़कों को सजा भी दिलवाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे टच करने की? तुम लोगों ने मेरे पापा के साथ क्या किया? शालिनी मेरी बात सुनो। तुम्हारे प्यार और तुम्हारे उन दोस्तों के साथ दोस्ती के चक्कर में मैं अपने पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। शालिनी मेरी बात सुनो, मैंने मनीष और सचिन को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। दोस्ती का वास्ता दे देकर मुझसे सारे काम करवाते रहे। शालिनी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनको ये सारी चीजें करने से रोकूं कैसे। मतलब मेरे प्यार से ज्यादा जरूरी तुम्हारे वो निठल्ले दोस्त हैं? ऐसे दोस्त बनाए क्यों जो तुम्हारी बात ही नहीं सुनते? अब पढ़ाई लिखाई पूरी करनी है या नहीं, ये आवारा दोस्तों के जैसा बनना है? हाँ जी, मम्मी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। उन्हें अगर पता चलेगा कि इन सब में तुम्हारा हाथ है तो भूल जाओ। तुम फैसला कर लो, मैं या तुम्हारे वो दोस्त। शालिनी मेरी बात तो समझो। शालिनी अरे प्यारे लाल अंकल, क्या बात है, क्या है? हीरो बन गए अब तो। क्या है दिखा? अरे देख लीजिए, कच्चे बनियान में जो मार खाए थे। बता। आ देख लो, देख लो। ए, ए, रुक। तमाशा देख रहा है क्या? भाग यहां से। कौन है? किसने किया? किसने किया ये? छोड़ूंगा नहीं किसी को, छोड़ूंगा नहीं किसी को। जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। क्या यार तुम लोग, पता है क्या शालिनी कितना गुस्सा है मुझसे? अबे गर्लफ्रेंड के चमचे, गर्लफ्रेंड तो दूसरी भी मिल जाएगी, ऐसा मजा कहीं और मिलेगा क्या? और हम जैसे दोस्तों इस जिंदगी में नहीं मिलेंगे। तो मैं आया। यार यार सचिन मजा नहीं आया यार, है ना? चल कुछ और करते हैं। अच्छा चल 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 चलते हैं। ये लीजिए पानी पीजिए। निकल 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 निकल। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। हेलो, तुम्हारे दोस्तों ने फिर से एक शरारत की। मतलब? अगर कल तुम्हारे दोस्तों ने मेरे पापा से माफी नहीं मांगी ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। आखिरी मौका दे रही हूँ, समझा दो अपने दोस्तों को, वरना अपने दोस्तों के साथ तुम भी अंदर जाओगे। मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। तुम टेंशन मतलब, मैं मनीष और सचिन से बात कर लूंगा पक्का। और क्या हाल है फट्टू? अच्छा मैं ये कह रहा था कि तुम लोग अंकल से माफी मांग लो, मैं ना तुम लोग को कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा और वो हसीन मैगजीन्स भी लाके दूंगा। अरे वाह, इतनी मेहरबानी और हम पे। यार अभी तुम लोग से क्या छुपाऊं, वो प्यारे लाल की बेटी शालिनी है ना, उसने धमकी दी है कि वो पुलिस को जाके हमारी शिकायत कर देगी। तुझे पुलिस का नहीं अपनी गर्लफ्रेंड का डर है ना? यार पंकज तू मना करता है ना,
तो और मन करता है उन्हें परेशान करने का। चल आज कोल्ड ड्रिंक हम तुम्हें पिलाते हैं। अंकल एक कोल्ड ड्रिंक दो ना। पुलिस की धमकी दी है यार। सुन ठीक से करियो। जा सचिन 99 का रिचार्ज कर दो। क्या ये इसकी बैंड? अब कोल्ड ड्रिंक में कचरा आएगा। क्या हुआ सचिन? बोतल में से कचरा निकला। ये नकली माल बेचता है अंकल। अरे नहीं नहीं कैसे हो सकता है ये? क्या कर रहे हो तुम? अब तो ये बात इंटरनेट पे जाएगी। अरे नहीं नहीं। और कल आएगी अखबारों में। नहीं, नहीं रुको, क्या क्या करके रहे हो तुम लोग? अभी अभी तो आए हैं, तुम लोगों ने पहले खोला है। मनीष मनीष। अरे क्या हुआ सचिन? क्या हो गया मेरे भाई? अरे रुको यार, रुक मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ और उसके बाद पुलिस में ऐसी कंप्लेन करूंगा। अरे नहीं 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 भाई, ऐसा ऐसा मत करो। अरे कोई है? अरे क्या कर रहे हो यार? यार ये अंकल कितना नकली माल बेच रहा है। अरे नहीं मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है। अरे फिर तेरा इलाज कैसे कराएंगे मेरे भाई? एक मिनट रुको ये लो, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं। लेकिन सुनो ये बात पुलिस तक और अखबार तक नहीं जानी चाहिए, ठीक है? नहीं नहीं यार। एक दो तीन चार। जला रहे उसको। ओए मजा आ गया। अरे चल। ओ, एक नंबर ये है। अरे मेरे को भी दे रहे थोड़ी सी हवा। तो ये लोग थे। जवानी के दिन ऐसे ही होते हैं, मस्ती और शरारतें उम्र का हिस्सा होती है, लेकिन मस्ती और शरारतों की भी एक सीमा होती है। सचिन और मनीष ने ये सीमाएं पार कर ली थी, और तो और उन्होंने पंकज को भी अपनी इन शरारतों में शामिल कर लिया था, जो कि इनके विपरीत बिल्कुल भी शरारती नहीं था। सचिन और मनीष के मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि वो प्यारे लाल को नुकसान पहुंचाए, लेकिन उनकी शरारतों का प्यारे लाल के ऊपर इतना गहरा असर हो रहा था जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनकी ये शरारतें प्यारे लाल को अपराध करने पे मजबूर कर देंगी। आखिर क्या अपराध होने वाला था, कैसे होने वाला था और किसके साथ होने वाला था? क्या हुआ? रुको, क्या ढूंढ रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो आप? उन शरारती बच्चों को जरा सबक सिखा रहा हूं। अगर ऐसी बड़ों की मनोरंजन वाली हसीन किताब चाहिए तो कल मिलो। वाह यार, ये तो बैठे बैठे ही मिल गई। हाँ चाहिए। कल शाम को मिलेंगे, जगह बता दूंगा। अकेले आना, ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए। ओके। कल्पना लाओ जल्दी सामान लाओ। सुनिए ना, ये करना जरूरी है क्या? तुम चुप रहो। शालिनी, शालिनी सुन,
दोपहर को जरा दुकान आ जाना, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे बाहर जाना है, ठीक है? ओके, आ जाऊंगी। बाय पापा। बाय। एक मिनट, आया। ओके। हेलो। दो घंटे बाद। सेक्टर 7 के मार्केट के पीछे वाला जो रोड है ना, वहां आके मिलो। ठीक है, लेकिन ज्यादा लेट मत करना प्लीज। आ जाओ। अच्छा सुनो, मुझे एक काम है, मैं वो निपटा के तुम लोग को शाम को मिलता हूँ, तब तक मस्ती करो। और सुन, हम जानते हैं कि तुझे शालिनी से प्यार है, इसलिए मैंने मनीष को पहले भी बोल के रखा था कि हम बाद में अंकल से माफी मांग लेंगे तेरे लिए। मिल दुकान पे। अबे कोई पागल तो नहीं बना रहा मेरे को? आ जाओ सीधे, सामने दरवाजा दिखेगा, अंदर घुस जाओ। कोई है? अंदर आ जाओ। अबे कोई है क्या? अबे ये क्या जगह है ओए? अबे मेरे पैर चिपक रहे। अरे कौन है ये? अरे क्या हो क्या रहा है ये? कुत्ते तू? हाँ? क्यों? शरारत तो अकेला कर सकता है क्या? उस दिन तू ही भूत बन के आया था ना अपने दोस्तों के साथ मुझे डराने के लिए, दीवारों पर मेरा पोस्टर लगाया था। साले मुझे रात को मेरे घर के सामने कपड़े टांग के गया था, कपड़े टांग के गया था तू? अंकल प्लीज मेरे को अभी जाने दो। क्यों? हाँ, बहुत शरारत की है मेरे साथ, अब मेरी बारी है, मेरी बारी है। अंकल मेरे को छोड़ दो, अंकल मैं जहर नहीं हूँ पक्का, अंकल पक्का। चुप बैठ, ज्यादा बात की ना बहुत पिटेगा तू। अरे जो बोल रहा वो कार समझा? चल मेरे साथ चल। अरे जहां बोल रहा हूँ चल चल। थैंक यू। अंकल कब तक आएंगे? कुछ पता नहीं। वैसे मैंने, मनीष ने और सचिन ने मिलकर ये तय किया है कि हम अंकल से माफी मांग लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सचिन भी अभी आता ही होगा बस थोड़ी देर में। ए, फोन करना उसको। उठाया? उसका फोन बंद आ रहा है यार। आएगा वो, रास्ते में ही होगा शायद। तुझे भूत बनने का बहुत शौक है ना, ये ले अब भूत बन के रहे, जिंदगी भर भूत बन के घूमना। जा। सर, लड़के का नाम सचिन अरोरा है, सेक्टर 4 के पीछे रहता है। जब मिला तो आंख में पट्टी, मुंह में कपड़ा और पैर बंधे हुए थे और एक बड़ा कुर्ता टाइप का पहना था। यही पहना था इसने? यस सर। घर वालों को बता दिया? हाँ सर, वो लोग आते ही होंगे। सर आसपास पूछताछ की तो पता चला कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर शरारते करता था। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी का तो कुछ पता नहीं चला अभी। कपिल हत्या का भी मामला हो सकता है,
जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। सचिन रुको, ने सचिन क्या हो गया तुझे? सचिन हटो, कौन हो तुम? साहब कौन हो तुम लोग? सर ये हमारा दोस्त है। दोस्त को तो जब ये दुर्घटना हुई कहाँ थे तुम लोग? सर कल रात हम चाय की दुकान पे इसका इंतजार कर रहे थे, सर पूरी रात घर पे नहीं आया। ठीक है कपिल, एम्बुलेंस बुलाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास देखो, कुछ मिलेगा तो हमारी मदद होगी केस में। वहां देखो तुम भी। सचिन के नंबर पर जो आखिरी फोन आया था उसकी पूरी डिटेल्स नहीं मिली है, लेकिन वो जिस दुकान से खरीदा गया है उसका पता चल गया है। 7719420 इस नंबर का सिम आपकी दुकान से इशू हुआ था। कागजात तो होंगे आपके पास? जी सर, ये मनीष गुप्ता के नाम पे रजिस्टर्ड है सर। देखें ये रहे उसके पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी सर। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। पापा पंकज और उसके दोस्त आए थे दुकान पर, वही थे जो आपके साथ शरारत कर रहे थे, सबके सामने आपसे माफी मांगना चाहते हैं। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। हेलो पंकज, अच्छी खबर है, पापा ने तुम लोगों को माफ कर दिया। सचिन रोड एक्सीडेंट में अभी मारा गया। क्या? सर सचिन के मोबाइल की लोकेशन यही आगे एक रूम में दिखा रही है। देखो कुछ मिलता है। ये क्या है भाई? गोद जैसी कुछ चीज है। सर सर ये फोन मिला है, शायद सचिन का है। लास्ट कॉल इस नंबर से आया है और इसी नंबर से सचिन को मैगजीन्स की फोटोज भेजी गई हैं। देखिए। अरे क्या चक्कर है, कैसे मिल जाती हैं मैगजीन्स इनको? देश में पाबंदी है इन पे। शायद सर इन्हीं के लिए शर्त लगी होगी। हो सकता है, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हर बात एक हत्या की तरफ इशारा कर रही है। इसके घर वालों ने कुछ बताया? सर उन्होंने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई है। उनका कहना है कि उनकी और सचिन की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन सचिन का मोबाइल अगर यहाँ मिला है तो इससे ये बात तो साबित होती है कि सचिन पहले यहाँ लाया गया है, उसके बाद वो दुर्घटना की जगह पे पहुंचा है। मुझे लगता है अब इसके दोस्त ही कुछ बता पाएंगे। Yes, sir. उन सब यहां पे मिला है। यहां गोंद का डब्बा, यहां गोंद और जूतों के निशान। एक काम करो, इन सबको रखो, सबूतों के काम आएंगे। Yes, sir. और इसके दोस्तों को बुलाओ। सर हम चाय की दुकान पर सचिन का इंतजार कर रहे थे, वो हमें कहकर गया था कि वो शाम तक वापस आ जाएगा, लेकिन सर वो आया ही नहीं। क्या लगता है तुम्हें कि सिर्फ एक शर्त के कारण सचिन का एक्सीडेंट हुआ या किसी ने दुश्मनी निकाली है? मेरा मतलब है उसकी कोई दुश्मनी थी किसी से या कोई लड़की का चक्कर? नहीं सर, लेकिन सर एक और नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? जा सकते हो, जरूरत पड़ने पे फिर बुलाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। कपिल मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जो भी कहा है ना उसके पीछे कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है। नजर रखो इन दोनों पे। सचिन के नंबर पर जो आखिरी फोन आया था उसकी पूरी डिटेल्स नहीं मिली है, लेकिन वो जिस दुकान से खरीदा गया है उसका पता चल गया है। सेवन सेवन वन नाइन फोर टू जीरो इस नंबर का सिम आपकी दुकान से इशू हुआ था। कागजात तो होंगे आपके पास? मैं जरा आप चेक करके बताता हूँ सर। देखिए जी सर, ये मनीष गुप्ता के नाम पे रजिस्टर्ड है सर। देखें ये
सर, ये रहे उसके पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी सर। सर, ये तो सचिन का दोस्त है। सर नहीं सर, सर मैं सचिन को नए नंबर से क्यों कॉल करूंगा सर? शरारत करने के लिए? बहुत शौक है ना तुम लोगों को शरारत करने का। सर हमने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है सर। और हाँ सर, मैं तो सारा टाइम पंकज के ही साथ था। हम प्यारेलाल जी की दुकान पर भी गए थे, हम तो सचिन का इंतजार कर रहे थे सर, और शालिनी भी वहीं पे थी। सर हमें वहीं पता चला कि सचिन का एक्सीडेंट हो गया। सचिन का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसे किसी ने जानबूझ के मारा है, गाड़ी के आगे ढकेला है। क्योंकि जब यह घटना हुई उसके पैर रस्सी से बंधे हुए थे। मारने वाले ने प्लानिंग कुछ ऐसी की कि ये शरारत लगे। सर विश्वास करिए सर, सर मान लीजिए मेरी बात, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। और मेरे नाम से नया सिम निकाल करके सचिन के साथ ये किसने किया मुझे नहीं पता सर। मान लिया, जा। बोला था ना तुम लोगों को मत पंगा लिया करो लोगों से। हाँ समझ में नहीं आती बात, लेने के देने पड़ गए ना अभी। अब क्या, हमारी शरारत की वजह से हमारे दोस्त की जान गई है। पुलिस स्टेशन के चक्कर तो शुरू हो गए, कल जेल भी जाएंगे हम। पूरी लाइफ चौपट कर दी तुम लोग ने। शालिनी सही कहती थी तुम लोग के बारे में, मैं अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ रह के। पंकज हमारी कोई गलती नहीं है, समझा तू? सचिन का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, किसी ने जान से मारा है उसको। जिसने मारा है मैं उसके बारे में सब कुछ अच्छे से जानता। क्या हुआ, दोस्त को मिस कर रहे हो? शालिनी, मनीष को लगता है कि सचिन को किसी ने मारा है। किसने? तुम्हारे पापा ने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे पापा एक मच्छर तक नहीं मार सकते, तुम्हारे दोस्त को क्या मारेंगे? शरारते तुम और तुम्हारे दोस्त करें, इल्जाम मेरे पापा पर लगाते हो। शालिनी, पंकज तुम जैसे इंसान के साथ अपनी लाइफ नहीं बिता सकते, तुम अपने दोस्तों के लिए पागल हो। शालिनी, शालिनी सुनो, मैं तुम्हें ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये बात सच है तो वो किसी और, मेरा मतलब है कि मुझे या मनीष को मारने के बारे में भी सोच सकता है। जरा बताएंगे प्यारे लाल जी कहाँ हैं? वो बड़े बाजार गए हैं कुछ सामान लाने हैं, बताइए मैं कैसे मदद कर सकती हूँ आपकी। नहीं दरअसल हमें उन्हीं से पूछताछ करनी थी, उनका एक वीडियो मिला है हमें इंटरनेट पे, दिखाओ जरा। देखा आपने, ये किसी ने उनके साथ शरारत की थी। हमें बस इतना जानना है कि इस शरारत में किसका हाथ था, क्या प्यारेलाल जी को पता है? मुझे नहीं पता सर, और पापा को भी नहीं पता था। कहीं इसके पीछे सचिन का तो हाथ नहीं जिसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है? मुझे नहीं लगता सर, और ऐसा कुछ होता तो हम पुलिस के पास जरूर आते। ठीक है, आपके पिताजी आए तो कहिए कहाँ आए थे। तो पापा ने ब्लू की बोतल देखी? ये वही वाली बोतल है ना जो हमें उस कमरे से मिली थी जहां से सचिन का मोबाइल मिला था? यस सर, उसी कंपनी की ग्लू है और ऐसी बोतल। चलो हेलो, जो हुआ हम उसे भूल जाते हैं। तुम लोगों ने जो पापा के साथ किया मुझे पता है उन पर क्या गुजरी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि बात आगे ना बढ़े, क्योंकि बात आगे बढ़ेगी तो जेल तुम लोगों को भी जाना पड़ेगा। और तुम लोगों के भविष्य का क्या, मैं पापा से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। बस अब तुम लोग कोई और शरारत मत करना। नहीं, अब पक्का? हाँ पक्का। मनीष, मनीष
पागल है क्या तू? कैसी बातें कर रहा है? शालिनी के चमचे, तू अपनी आशिकी के चक्कर में बुड्ढे को बचाना चाह रहा है तू? हाँ साले दोस्त है दुश्मन? अबे प्यार है मेरी, पढ़ाई के लिए बता रहा हूँ मैं तुझे, दुश्मन नहीं हूँ मैं तेरा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मनीष तुम अपने दोस्त को समझा लो, एक दोस्त खो चुके हो, दूसरा मत खो बैठना। नहीं नहीं मैं इसे समझा लूंगा। शालिनी और पंकज आपस में बातचीत करके इस बात की कोशिश कर रहे थे कि वो इस अपराध को छुपा ले। वहीं दूसरी तरफ पंकज इस बात की भी कोशिश कर रहा था कि वो मनीष को सचिन की मौत का बदला प्यारेलाल से लेने से रोक ले। वो चाहता था कि वो प्यारेलाल को मुजरिम भी ना माने ताकि उसे शालिनी को ना खोना पड़े। शालिनी भी कहीं ना कहीं पंकज की तरह ही सोच रही थी क्योंकि वो अपने पिता से प्यार करती थी। लेकिन शालिनी और पंकज को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो पुलिस का साथ देने की बजाय जो खुद इस मामले को सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं वो एक और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं जिसका शिकार अगला कोई भी हो सकता था। मुझे पक्का यकीन हो गया कि पक्का प्यारे लाल ने सचिन को मारा है। अरे वरना शालिनी क्यों आती हमसे बात कर रहे हैं, और भी खास करके मुझसे? उस प्यारे लाल के पास मेरी पैन कार्ड के डिटेल्स है, साला सब कुछ जानता है मेरे बारे में, इसीलिए सचिन को मार के मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है वो। अबे तू इतना पक्का होके कैसे बोल सकता है? और तुझे इतना ही पता था तो पुलिस को बताया क्यों नहीं? मैं बताऊं तूने क्यों नहीं बताया पुलिस को? क्योंकि तुझे खुद पक्का नहीं पता कि ये सब प्यारे लाल अंकल ने किया। और यार प्लीज अभी बातों को बढ़ा मत और पुलिस को अपना काम करने दे यार। अरे पुलिस नहीं पकड़ पाएगी उस बुड्ढे को यार, बहुत चालाक इंसान है वो। अबे सच का पता मैं लगाऊंगा और उस बुड्ढे से बदला भी लूंगा, तू देखता जा। मनीष तू पागल हो गया क्या? क्या बदला लेगा तू उससे? खून करेगा। देख मैं तुझे ये सब कभी नहीं करने दूंगा। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। मनीष पागल है क्या तू? कैसी बातें कर रहा है? अबे शालिनी के चमचे, तू अपनी आशिकी के चक्कर में उस बुड्ढे को बचाना चाह रहा है तू? हाँ साले दोस्त है दुश्मन? अबे प्यार है मेरी, पढ़ाई के लिए बता रहा हूँ मैं तुझे, दुश्मन नहीं हूँ मैं तेरा, समझा? प्यार करता हूँ शालिनी से। और तुझे प्यारे लाल को सजा दिलवानी है ना? सजा दिलवाना नहीं, देना चाहता हूं मैं। साथ देगा मेरा? पापा आज फिर पुलिस आई थी दुकान पे पूछताछ करने। मैंने मनीष और पंकज से बात की, वो सचिन के दोस्त, और अब उन दोनों को लगता है कि सचिन को आप। पर मैंने उन लोगों को साफ साफ बता दिया है कि मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप मेरी बात मानिए, आप एक बार उन लोगों से मिल लीजिए, वो आपसे माफी भी मांग लेंगे और आप भी उन्हें भरोसा दिलवा देना कि सचिन के एक्सीडेंट में आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं भी आपके साथ चलूंगी और जो भी बात होगी मेरे सामने होगी। ठीक है चलना। पापा मैं पंकज से प्यार करती हूँ, वो अच्छा लड़का है और बहुत समझदार भी है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो अच्छी नौकरी करेगा। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ पापा। मैं शालिनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तुझे माफी मांगनी होगी। नहीं मांगूंगा माफी। तू बोल तू माफी मांगेगा कि नहीं? माफी नहीं मांगूंगा। तुझे मांगना पड़ेगा। नहीं। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सुनो तुम शालिनी को संभालना, उसे बाहर मत जाने देना, मैं उसे आके समझाऊंगा, ठीक है? संभाल कर जानो। सुन वो यहीं पर मिलने आएगा, तू प्यारे लाल को संभाल लेना और मैं शालिनी को संभाल लूंगा, ठीक है? वेट करते।
पापा कहाँ गए? मैं तो उनके साथ जाने वाली थी ना। तुम उनके कामों में मत पड़ो, जो तुम्हारे पापा कर रहे हैं ना तुम उन्हें करने दो। मम्मी आप समझ नहीं रही हो, पापा पंकज और मनीष दोनों को मार देंगे, आप प्लीज मुझे जाने दो। शालिनी मैंने कहा अंदर चलो। मम्मी कर क्या रही? मम्मी मुझे जाने दो। चलो सब, पापा मनीष और पंकज को मार दीजिए प्लीज। छोड़ो मम्मी, मैं कह रही हूँ जाने दो मम्मी, मनीष मम्मी मनीष और पंकज को मार दीजिए पापा, मम्मी प्लीज मम्मी। पंकज मनीष कहाँ तुम लोग? क्या कर रही हो मम्मी? प्लीज मेरा फोन। मैं जो कर रही हूँ ना बिल्कुल सही कर रही हूँ। मम्मी छोड़ो, मेरा फोन दो। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? प्लीज तेरी वजह से सचिन मरा है साले। शालिनी के चमचे, उसके बाप की तरफदारी कर रहा है मेरे सामने तू। मनीष मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं शालिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। देख प्यारेलाल अंकल से माफी मांग ले वरना तुझे भी मरना पड़ेगा। मुझे एक दोस्त के लिए एक दोस्त के हाथों से मरना मंजूर है पंकज, लेकिन मैं उसके बाप से माफी नहीं मांगूंगा। मैं तुझे कह रहा हूँ मैं शालिनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तुझे माफी मांगनी होगी। नहीं मांगूंगा माफी। तू बोल, तू माफी मांगेगा कि नहीं? माफी नहीं मांगूंगा। तुझे मांगना पड़ेगा। नहीं। क्या कर दिया तूने? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं अरे तू तो मार दिया इसको। नहीं मैंने नहीं मारा उसे अंकल, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो सचिन के साथ मिलकर आपके साथ जो शरारतें कर रहा था उसके लिए आपसे माफी मांग ले, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, इसलिए अंकल मैंने तो वाकई में मेरा दामाद बनने लायक है, अकलमंद है, भरोसेमंद है, लेकिन कुछ ज्यादा ही चालाक है, है? मनीष रुक, रुक। तूने उसको ठीक से मारा नहीं था। तुम लोग की प्लानिंग तो फेल हो गई। तुम लोग सिर्फ शरारत करने में माहिर हो, असली खून करने में नहीं। पहले सचिन मरा और इस मनीष के साथ साथ तू भी मरा। अंकल माफ कर दो, अंकल नहीं प्यार हो जाएगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तू ना इसे ठीक से मार नहीं पाया, लेकिन तो घबरा मत, अब वो मर जाएगा। तुम लोगों की प्लानिंग तो फेल हो गई। तुम लोग सिर्फ शरारत करने में माहिर हो, असली खून करने में नहीं। अंकल प्लीज मुझे उसे अस्पताल लेके जाने दीजिए। रुक, वही तो मैं चाहता हूँ। पहले सचिन मरा, अब मनीष के साथ साथ तू भी मरेगा। ये ले। अंकल माफ कर दो, अंकल ले। डाल, थोड़ा से। मनीष, ले चलो इसे। चल। मनीष, भाई। प्यारे लाल पे हमें पहले ही दिन से शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं था हमारे पास। फिर हमने वो लोकेशन ट्रेस की जहां से सचिन को आखिरी कॉल आया था। हेलो। दो घंटे बाद सेक्टर 7 के मार्केट के पीछे वाला जो रोड है ना, वहां आके मिलो। और वो लोकेशन थी इनकी दुकान के पास की। फिर हमने उस लोकेशन को ट्रेस किया जहां सबसे पहले मैसेज आया था, और वो लोकेशन इनके खुद की घर की थी। और फिर आज हम इनके घर पहुंचे। मम्मी छोड़ो, मेरा फोन दो। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? प्लीज। यार इधर कहां है? वो पंकज और मनीष को मारने के इरादे से बाहर गए। कहां? सर यहाँ जो कुछ भी है इस वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है। इन्होंने अपना गुनाह खुद कबूल किया है। सर हम तो बस ये चाहते थे कि प्यारे लाल जी अपना जुर्म कबूल कर ले, और इसलिए हमने ये फोन वहाँ पर इस तरीके से रखा था कि सारा वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और आप लोगों को पता चले। मैं अभी लगा के आता हूँ। ठीक है जा। अब सब रिकॉर्ड हो जाएगा। आखिरकार एक शरारती दिमागी काम आया ना,
एक शातिर अपराधी को पकड़ने में। ये पुलिस की सूझबूझ का नतीजा था जिसके कारण मनीष और पंकज की जान बच गई, वरना एक अपराध को छुपाने के लिए प्यारेलाल को दो और अपराधों को अंजाम देना पड़ता। पंकज ये चाहता था कि वो अपने दोस्त को भी बचा ले और अपने प्यार को भी बचा ले, इसलिए उसने मनीष के साथ मिलकर प्यारेलाल को पकड़वाने के लिए शरारत का सहारा लिया। प्यारेलाल को तो अदालत ने उसके किए की सजा दी, लेकिन मनीष और पंकज को भी अपने जुर्म की सजा काटनी पड़ी। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी शरारत के दायरे सीमित नहीं रखे थे। इन्होंने पुलिस की छानबीन में उनकी मदद नहीं की, सचिन के कत्ल पर पर्दा डाला और प्यारेलाल को पकड़ने की प्लानिंग की। यह हादसा हमें ये सोचने पे मजबूर करता है, हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि हमें इस समाज में हर व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। ये हम मानते हैं कि मासूम शरारतें आपके चेहरे पे मुस्कान ले आती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि आपकी शरारतों के कारण किसी को नुकसान ना पहुंचे। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।